ऐसी विडंबना है ना, हम नियम कायदों और समाज के नाम पर हमेशा औरत को दबाते आए हैं, लेकिन हम फिर भी औरत का इस्तेमाल करना, उससे पैसा कमाना ये नहीं छोड़ते हैं। समाज में उसकी सही जगह, उसके अधिकार और उसे आजादी देने से कतराते हैं। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी है जहां एक तरफ एक लड़की की डिजिटल बोली लगाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक साधारण मिडिल क्लास महिला अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। बिल्कुल सही समय पे आए हो। बैठोगी सामने से? आज हमारे शादी के एक महीने की सालगिरह है, तो मैंने आपका मन पसंदीदा खाना बनाया है। तो मैं खा के आया हूँ। और ये एक महीने की सालगिरह क्या होती है? थोड़ी देर बाद सो जाना। जब से हमारी शादी हुई है हम पास ही नहीं आए हैं। लड़की होते इतना होता अपन? यही संस्कार दिए क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? घर उठाओ, सोने दो मुझे, जाना से। मुझे एकता चाहिए। अप्सरा है रेशमा जी, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। हो गया, लिखा ना। कितने गंदे फोटोज खींचे हैं बिट्टू, क्या है ये? सही तो लिए हैं। नहीं है ना सही, तुम जाओ यहाँ से, मैं राजू को बोल के फोटोज खींचवा लूंगी। वो अच्छी फोटोज खींचता है, कुछ नहीं आता तुम्हें। क्या मम्मा, ऐसे ही बिट्टू को डांट दिया? मम्मा आपकी एज हो गई है तो दिखेगी ना। बकवास मत कर, समझ में आ गई बात? मम्मा आप ना इवेंट मैनेजर है, बट एज का टेंशन ना किसी हीरोइन से कम नहीं लेती हो। एक सेकंड। हाँ जी मिर्जा साहब, बर्थडे आ रहा है ना आपका, तो पार्टी की बुकिंग वगैरह कब करनी है? ओ सी और को दे दी बुकिंग, ठीक है ओके। साला आज का दिन ही वाही आता है। ये दुबे जी तो एकदम जादूगर आदमी है। दुबे जी आप ही को याद कर रहा था अभी, बस मैं आ रहा हूं सीधा क्लिनिक, बस वो दवाई खत्म हो गई है ना। कल हम ना मूवी देखने जाएंगे, तो याद से फिल्म स्टार्ट होने के पहले आ जाना। बस मम्मी देख लेगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सना मूवी देखने अगले हफ्ते चले क्या? पेट्रोल भराने के भी पैसे नहीं मेरे पास, और
इंटरव्यू भी मुझे बस से ही जाना पड़ेगा। अरे ट्यूबलाइट तो पहले बताना चाहिए था ना। रुको, ये क्या कर रही हो सना? ये अच्छा नहीं लगता। ये लो। अरे मैंने कहा ये लो। और हाँ, कल तुम बस से नहीं बाइक से जाओगे, और वो भी एकदम हीरो बनके, ठीक है? थैंक यू। यहाँ मैं एक एक पैसे के लिए तरस रहा हूँ, और ये सना की बच्ची इस गधे पे पैसा उड़ा रही है। मैम, मैं ना आपके लिए कुछ सामान लेके आया हूँ। मैम ये फाउंडेशन ना, ये आपके स्किन टोन के लिए एकदम बेस्ट रहेगा, पता है? और हाँ, ये कॉन्टर है ना, इससे आपकी सारी स्ट्रेस लाइन छिप जाएंगी। राजू तो बेस्ट है ना। जहाँ सब लोगों को ये लग रहा है कि मेरी उम्र दिखने लगी है, वहाँ तो मुझे अब भी खूबसूरत मानता है ना। मैम आपके चक्कर में तो इस लाइन में आया हूँ, आप तो जानती हो कि मैं आपको पूछता हूँ, आप जब डांस करती हो ना तो एकदम अप्सरा लगती हो। और हाँ मैम, मैंने ना एक चीज और मंगाई है, ये मस्करा। मैंने एक वीडियो में देखा था इंग्लिश पोल डांसर को, मैं लगा के दिखाऊं आपको? वाह राजू, कमाल लग रहे हो। अच्छा वैसे आजकल ये कौन सा डांस स्टेप चल रहा है, नया कुछ पता है क्या? मैम एक वीडियो में देखा था मैंने, उसमें पता है एक लड़की वो ना मैम एक ना एक ऐसे पोल होता है, और वो ऐसे पोल को पकड़ती है, वो ऐसे अपनी हिप्स लगती है मैम ऐसे ऐसे। राजू तू तो एकदम, मैम देखो ना कैसे बात करती है मुझसे। अरे सॉरी सॉरी, प्लीज इतना नाराज मत हो, पर एक बात बोलूं राजू, तू ना इतना अच्छा लग रहा है कि तेरी तो बोली भी लग सकती है। क्या हुआ चाचा, कोई कंप्लेंट लिखवानी? जी साहब। बताइए। साहब मेरी बेटी एकता, कल रात उसका फोन आया था कि सुबह घर आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक आई नहीं, यहीं रहती है 2 घंटे की दूरी पे। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो मैंने बहुत फोन लगाया, ना तो मेरी बेटी एकता ने उठाया और ना दामाद जी ने, तो मैं घबरा गया और घर चला गया, यहीं सेक्टर 30 में, वहाँ भी ताला लगा हुआ है, तो मैं आपके पास आ गया साहब। फोटो है उसका आपके पास? आपका नंबर बताइए। ठीक है, जैसे कुछ भी पता चलता है हम आपको बता देंगे। साहब हमारी बेटी को जल्दी ढूंढ, हम पूरी कोशिश करें। हेलो पीएसए मिश्रा बोल रहा हूँ। ठीक है मुझे लोकेशन भी भेज दो, हम वहाँ आते हैं। सिंह जो चाचा अभी गया है ना, उन्हें जल्दी से बुला के ले। बड़ी यहाँ जंगल में ये लड़की के पिता? जी सर, इन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई भी कर लिया। सर मैंने आसपास पूछताछ की, लेकिन इस लड़की को इस एरिया में किसी ने कभी नहीं देखा। आसपास कुछ मिला कोई आइडेंटिफिकेशन या फिर खून वगैरह? नहीं सर। मतलब हो सकता है कि इसे मारा कहीं और गया और फिर यहाँ लाके डाल दिया गया। पंचनामा करके बॉडी PM के लिए भेजो। राइट सर। पुलिस को इस बात का शक था कि शायद उसका रेप करने की कोशिश की गई थी या फिर किया गया, या किसी राह चलते ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया था, या राजन ने अपने राज को छुपाने के लिए उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया था, या फिर बात कुछ और ही थी। संग्राम जी आप बोल रहे हैं कि आपकी बेटी ने आपको बताया था कि राजन ने उसे धोखा दिया, झूठ बोला, किस धोखे की बात कर रही थी वो, कैसा झूठ, कुछ पता है आपको? बाबू जी आप कहाँ हैं, मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, ना आप फोन उठा रहे ना चुटकी फोन उठा रही है। चुटकी को परीक्षा दिलाने गया था बेटा, फोन घर पे ही भूल गया था।
मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। क्या किया दामाद जी ने? वो इंसान बहुत बड़ा धोखेबाज है बाबूजी। देख बेटा, शादी से पहले जिंदगी कुछ और होती है और शादी के बाद बदल जाती है। तो दामाद जी से बातचीत करो, उनको समझो। समझने समझाने का वक्त नहीं रहा बाबूजी, मैं बस घर आना चाहती हूँ। क्या हुआ? साहब जैसे ही कुछ पूछता वैसे ही राजन आ गया। मेरी बेटी ने अपना फोन काट दिया। एकता अगर इतनी रात को घर से बाहर निकली थी अकेली तो मतलब बात कुछ बड़ी होगी। सर मुझे लगता है कि राजन के आने के बाद झगड़ा और बढ़ गया। उसी राक्षस ने मेरी बेटी का खून किया है। शंकराम जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी के कातिल को हम जरूर पकड़ेंगे। इनसे राजन का एड्रेस सर ले लिया, उसका फोन भी ट्राई किया, स्विच ऑफ। आप फिक्र मत कीजिए, फिलहाल आप घर जाइए, हम आपसे जल्दी कॉन्टेक्ट करेंगे। ये राजन यादव का है। ताला तोड़ो। सारा सामान वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। सर एकता के फादर ने बताया कि राजन और एकता के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। हो सकता है गुस्से में राजन ने एकता को मार दिया। लेकिन अगर रेप हुआ है तो वो अपनी बीवी का रेप क्यों करे? हो सकता है कोई और भी इन्वॉल्व हो। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर राजन की कबर्ड से ये कॉस्मेटिक सामान मिला है और भी अंदर, और सर ये डायरी मिली है, इसमें क्लाइंट के नंबर्स हैं और ऑर्डर नंबर्स हैं। शायद ये राजन होलसेल में कॉस्मेटिक सामान खरीदकर लोकल स्टोर्स में बेचता था, शायद यही उसका बिजनेस है। इन सारे क्लाइंट से कांटेक्ट करो, पता करो राजन कल इनमें से किस किस से मिला था। सर आस पड़ोस में पूछताछ करो, राजन कब आया कब गया पता करो, और ये पति पत्नी राजन और एकता इन दोनों के रिश्ते के बारे में भी पूछताछ करो, और इन दोनों का नंबर भी सर्वेलेंस पे डालो। हम लोग जब आए थे तभी दुकान खुली थी ना? जी सर मैंने भी देखा। इतनी जल्दी बंद करके चला गया, पता लगा क्या चक्कर? सर का पेट राजू। यार कभी तो मर्दों वाली हरकत कर लिया कर, शादी हो गई तेरी, अपना नहीं तो अपनी बीवी का तो ख्याल रख। ऐसी मर्दानगी दिखाऊंगा ना, याद रखी। अरे मिल जाएगा मम्मी यार तुम्हें पोता। हाँ मेरी बात हो गई डॉक्टर से। अरे वो ये बोल रहा है कि मैं एकदम ठीक स्वस्थ हूँ, आप ज्यादा मत सोचो, अगले साल आपको पोता मिल जाएगा अम्मा। अच्छा ठीक है, राम राम। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे अपने घर में पना दी उसके लिए। मैम बस एक दो महीने की बात है, एक दो महीने में मैं अपने घर का जुगाड़ कर लूँगा, और तब तक ना मैम मैं आपके घर का काम भी कर दिया करूँगा और आपसे डांस भी सीख लूँगा मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। राजन और सरिता के घर के आस पड़ोस में पूछताछ, वो लोग वहाँ अभी अभी शिफ्ट हुए तो उनके बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन उस दुकान वाले की डिटेल्स मिल गई, मधुर मिश्रा। तो लोगों ने कहा कि उसकी औरतों पर बड़ी बुरी नज़र थी। क्या है? सॉरी भाभी जी, हमें इसका धोखा। तो कई बार राजन के घर में उसे ताकझाक करते हुए भी देखा गया। मिश्रा कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मधुर नहीं हस्बैंड वाइफ के झगड़े का फायदा उठाकर रेप किया और हमें देखकर दुकान बंद करके भाग गया? लेकिन सर वो हैंडीकैप है, उसके एक फॉर्म में पोलियो है। हाँ लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो क्राइम नहीं कर सकता। अपने करियर में ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे हैं मैंने। राजन के घर पे नजर रखो।
देखो राजन या मधुर आते हैं क्या? उनके एरिया में कोई सीसीटीवी? सर वो लोकेलिटी पुरानी लोअर मिडिल क्लास है सर, वहाँ सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा, एक मेडिकल शॉप, उसकी फुटेज मंगा ली। ठीक, ये ले टेस्ट करके जल्दी। माँ क्यों नहीं बन पा रही? डॉक्टर ने तो कहा था मुझ में कोई कमी नहीं है। तू कहना चाहती है मेरे अंदर कमी है? ये बात अपने गांव मोहल्ले में जाकर गाती है तू? बिट्टू मैं जा रही हूँ नहाने, फोन यहाँ पर रख के जा रही हूँ, ठीक है? किसी का भी फोन आएगा ना तो बोल देना मैडम मीटिंग में बिजी है और मैं उनका मैनेजर बात कर रहा हूँ, तो प्लीज अच्छे से बात करना, ठीक है? जी। हेलो, क्या मैं रेशमा मलिक से बात कर सकती हूँ? मैडम तो अभी मीटिंग में है, आप बताइए ना क्या बात है। मैं नोएडा सेक्टर 30 पुलिस स्टेशन से ASI शालिनी शुक्ला बोल रही हूँ। आप राजन यादव को जानते हो? उसने इस नंबर पर कई बार बात की। हाँ, वो हमारा मेकअप सप्लायर है। आपने उसे लास्ट टाइम कब देखा था? हमें उसे उसकी पत्नी की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन मैडम वो तो हफ्ते के हफ्ते आता है, अभी 2-3 दिन पहले सामान देके गया है, अब तो वो अगले हफ्ते ही आएगा। उसके बारे में कुछ बता सकते हो? हम तो मैडम इतना ही जानते हैं जितना कोई सप्लायर के बारे में जानता है। ठीक है, अगर वो आता है या उसका कॉल आता है तो हमें इसी नंबर पर कॉल कीजिए। जी बिल्कुल। ओ माय गॉड सना, तुझे पता है मैंने तेरी फोटोज ना अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे अपलोड की, यू नो व्हाट, इतने कमेंट्स आए। सना तुझे पता नहीं है तुझे कितने ऑफर्स मिल सकते हैं मॉडलिंग के। मुझे ना कोई मॉडलिंग नहीं करनी, मुझे ना MBA करना है। देखना मम्मा, मैं कैट में जरूर टॉप करूंगी। सना मैं समझ सकती हूँ, प्लीज अपनी मम्मी के लिए, अपनी घर की कंपनी के लिए प्लीज सना। वैसे भी पैसों की बहुत तंगी चल रही है और कंपनी को रिवैम्प की बहुत जरूरत है। अगर आप कह रहे हो तो आई विल डू इट। माय बेब, थैंक यू। सर एकता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एकता का रेप हुआ है, उसके बॉडी पे सीमेंट भी मिला, उसके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया, बॉडी पे मार्क्स जो है वो रात की स्ट्रगल के, लेकिन सर मौत का कारण स्टैबिंग और डेथ टाइम है सुबह 5 से 7 बजे के बीच। ठीक वैसे ही जैसे हमने गेस किया था, मतलब कोई नया क्लू नहीं। सर हो सकता है एकता का रेप मैरिटल रेप हो। शालिनी मुझे डाउटफुल लगता है। मेरी एकता की एक फ्रेंड पारुल से बात हुई, और अक्सर लड़कियाँ फैमिली से ज़्यादा ऐसी बातें अपने दोस्तों से कैसे शेयर करती हैं, एकता ने भी वही किया था। पारुल ने मुझे बताया कि राजन ने कभी उसे छुआ तक नहीं, और इनफैक्ट उन दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता भी नहीं। मतलब राजन रेप नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी रेप तो हुआ है और उसके बाद से ही राजन फरार है। एकता का फोन मिला? नहीं सर, नहीं मिला। राजन का फोन भी बंद। सर राजन के घर से जो इनवॉइस और क्लाइंट लिस्ट मिली सबसे बात, लेकिन किसी को नहीं पता राजन कहाँ है। और उनका वो पड़ोसी मधु? सर उसका फोन अब भी स्विच्ड ऑफ है। उनके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से बात करो, मुझे पिछले 48 घंटे की मोबाइल लोकेशन और 1 महीने के CDR चाहिए सर। और राजन के घर पर नजर रखो, शायद किसी कारण से वापस आए। सर कैसे जाऊँ, जल्दी जल्दी में कितना सारा सामान घर रह गया। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता था तू यहीं छुपा हुआ। मैंने कुछ किया नहीं है। तूने कुछ किया है या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी बात सुन ले ध्यान से, तुझे मेरे काम करना होगा। सर एकता के घर के पास वाला CCTV फुटेज सही है। देखिए एकता अपने घर से रात को 11:15 बजे निकली है, मतलब अपने पिता को फोन करने के फौरन बाद। जी सर। सर ये राजन, ये उसके पीछे आता है, कुछ बात करता है, एकता रुक जाती है और एकता उसके साथ निकल जाती है। इसको देखकर तो लग रहा है कि दोनों में सुलह हो गई। सर अब ये देखिए, ये मधुर है, अपनी हैंडीकैप स्कूटर लेके आता है और इनके पीछे निकल जाता है। इसका मतलब मधुर उनका पीछा कर रहा था, लेकिन क्यों? और एकता और राजन इतनी रात को कहां जा रहे हैं? ये
आप ये कैसे कपड़े दे रहे हो? ऐसा लग रहा है आप मेरी मॉडलिंग जैसे बेचने के लिए फोटोशूट करवा रहे हो। अरे सना, ड्रामा नहीं खत्म होता इस बेवकूफ लड़की का। अरे ये मॉडलिंग का फोटोशूट है, ये शादी का नहीं है। अब सारी तंगी दूर। सर, सभी की कॉल रिकॉर्ड्स हैं। वो पब्लिक हॉलीडे था इसलिए थोड़ा वक्त लगे। सबको हॉलीडे मिलता है हमको छोड़ के। खैर, देर आए दुरुस्त है, कुछ काम का है? सर, मधुर के कॉल रिकॉर्ड में सभी कॉल सामान की डिलीवरी के लिए। एकता के कॉल रिकॉर्ड में उसके फादर का नंबर, उसके पति राजन और एक दो दोस्तों के नंबर मिले। और राजन के कॉल रिकॉर्ड में सभी कॉल उसके क्लाइंट्स के, सिवाय एक नंबर के। वो किसी डॉक्टर दुबे का नंबर है जिसके साथ राजन की अक्सर बातें हुआ करती। जिस दिन राजन और एकता गायब हुए उस दिन भी राजन ने डॉक्टर दुबे से 3 बार बात की, सुबह 9 बजे, दोपहर 3:30 बजे और रात 1:30 बजे। और लोकेशन? राजन, एकता और मधुर तीनों की मोबाइल की लोकेशन डॉक्टर दुबे के एरिया की, इंद्रपुरम। सर, राजन को परफॉर्मेंस एंजाइटी था, यू नो व्हाट आई मीन। वो अपना ट्रीटमेंट मेरे पास करवा रहा था। अरे एक दिन अचानक उसकी वाइफ मेरे पास आई, रोने गिड़गिड़ाने लगी, तो राजन का सच मुझे उसे बताना पड़ा। हालांकि उसकी वाइफ एकता के जाने के बाद मैंने राजन को कॉल करके सबको सच सच बता दिया था। फिर 12:15 बजे के आसपास रात को राजन वापस आया एकता के साथ। शायद वो चाहता था कि मैं उसकी वाइफ को कन्विंस करूं कि वो ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इतनी पर्सनल बातों के लिए डॉक्टर पेशेंट्स को आधी रात को भी एंटरटेन कर लेते हैं? देखिए सर, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। एक्चुअली मेरा लाइसेंस रद्द हो गया था, तो मेरे पास जो पेशेंट मुझे। एक मिनट, आपका लाइसेंस रद्द हो गया पर आप राजन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इलीगल। दरअसल बात सिर्फ इतनी है कि मैं उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहा था, विटामिन और टैबलेट्स के बारे में। हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से राजन का फोन आपके एरिया में 1:15 बजे तक था और एकता का रात को 3 बजे तक, और आपने 1:30 बजे राजन को कॉल भी किया था। सर देखिए, एकता का फोन मेरे एरिया में क्यों था, कितने बजे था, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने 1:30 बजे राजन को जरूर फोन किया था ये जानने के लिए कि एकता मानी या नहीं, लेकिन उसने बताया कि एकता नहीं मानी। मतलब? सर मतलब ये कि मैं जानना चाहता था कि एकता मानी या नहीं, लेकिन राजन ने कहा कि वो नहीं मानी। और एकता का कहना था कि वो तब तक अपने मायके में रहेगी जब तक राजन का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से नहीं हो जाता। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। मिश्रा, मुझे लगता है कि एकता मानी नहीं होगी, तो राजन डर गया कि उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी और इसलिए उसे मार दिया। सर मुमकिन है कि मेल ईगो के चक्कर में राजन ने एकता का मर्डर किया, लेकिन सर रेप? सर हो सकता है राजन ने अपनी मर्दानगी प्रूव करने के लिए एकता पे जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर गुस्से में उसे मार दिया। हो सकता है। ऐसा करो, जंगल के रास्ते में आसपास जितने भी CCTV फुटेज मिले थे फिर से चेक करो, और राजन के बैंक डिटेल्स वेरीफाई करो, और उसका क्रेडिट कार्ड सर्वेलेंस पे डालो। अगर शहर छोड़कर भागा है तो कोई तो ट्रांजैक्शन करेगा। सर, मेरी बात ध्यान से सुन, आज तू राजन के साथ सोएगी। क्या? वो तुझे पेट से करके जाएगा। मैं किसी परामर्श के साथ नहीं सोऊंगी, तुम्हारा दिमाग सही। तुझसे पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने तुझसे कुछ? ज्यादा चू चपड़ करेगी ना तुझे, यही चिंता कर दूंगा मैं। चल ब्लैक बिस्तर पे। सर, मधुर ने अभी अपना मोबाइल वॉलेट यूज किया है, उसे ट्रेस कर रहे हैं, उसने एक होटल में चेक इन किया है। गुड, प्रॉपर लेकर आओ उसे। सब क्या हुआ तुम्हें? मुझे ना ये रात भर जाके पार्टीज और इवेंट्स मैनेज नहीं करना है, मुझे ना तुम्हारे साथ शादी करनी है, एक सिंपल लाइफ जीनी है। बचपन से देखा है मम्मा को ऐसे काम करते हुए, मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए। आज भी मम्मा बाहर गई है, ऐसे ही होता है ये मॉडलिंग और इवेंट्स का काम। तो आज इस रात का फायदा क्यों नहीं उठाया जाए? साले, समझते क्या है खुद को? बोलते हैं उम्र हो गई है मेरी। सरा, सर, ए मम्मा, वो एक सेकेंड, ये मामा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने इसे यहाँ बुलाया। बॉयफ्रेंड? पर दोबारा मेरे घर में दिखाई दूंगा, मुझे यहीं काट दूंगी तुझे। चल निकल यहाँ से, बाहर निकल यहाँ से।
तो तू चल मेरे साथ अंदर। बोल बोल, तू सोई इसके साथ। नहीं मम्मा, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो कभी ना कभी तो। चुप! एक बात कान खोल कर सुन ले, तू उसी के साथ सोएगी जिसके साथ मैं तुझे सोने के लिए बोलूंगी। बहुत हो गया मम्मा आपका, आपने ना सारी हदें क्रॉस कर दी है, अब ना मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुझे तो अभी बहुत कुछ झेलना। राजू बांध इसे। तेरे फोन से तेरा सारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया है, पता है हमें कि तू छुप छुप के एकता के वीडियोस बनाता था और बाकी औरतों को भी ताड़ता था। तेरी ना शक्ल पे रेपिस्ट लिखा हुआ है। सब मैं तेरा भाई जानती, लेकिन हमने सीसीटीवी कैमरा में देखा तू राजन और एकता के पीछे गया। सड़क पर चलते हुए आदमी किसी ना किसी के आगे पीछे तो होता ही है ना। इतना पीछे कि पीछे पीछे चलते चलते उनके फैमिली डॉक्टर के पास पहुंच गया। हमारे पास तेरे मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड सब है और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि तू रात में रंजना और एकता के पीछे गया था। मैं एकता को पसंद करता था बहुत ज्यादा, मैं जन्म जात अपाहिज आदमी, मुझसे कौन शादी करता, पति के लिए तरस गया था साहब में। एकता तो वैसे भी अपने पति से दुखी थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्या सोचा कि उसका रेप कर दूं। रेप नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और उस रात जो मैंने देखा उसके बाद तो मुझे मेरा सपना सच होता दिखाई देने लगा। मुझे आपका सारा सच पता चल गया। तुम मेरा पीछा कर रही थी? हाँ किया तुम्हारा पीछा, क्यों अच्छा नहीं लगा जब सच सामने आ गया तो? शादी से पहले क्यों नहीं बताया मुझे वाली बात, क्यों धोखा दिया मुझे? तो तुम सही बोल रहे, मुझे शादी से पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था। मैं चला जाऊं तुम्हें, चलो। हाथ ही लगा रहा मुझे, नफरत हो रही मुझे तुम जैसे इंसान से, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे लगा एकता राजन को छोड़ रही है तो क्यों ना मैं उसका हाथ थाम लूं, इसलिए मैं तुरंत दुकान की तरफ भागा, अपना स्कूटर लिया एकता जी को लिफ्ट देने के लिए। साला कबाब नाटी फिर बीच में आ गया। सब मुझे लगा वो एकता को उसके मायके छोड़ने के लिए ले जा रहा है। मेरे सर पे भूत सवार था साहब, इसलिए मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि आज मैं एकता से बात करके ही रहूंगा, पर वो तो उसे किसी डॉक्टर दुबे के यहाँ ले गया। उसके बाद साहब डॉक्टर के यहाँ से मारपीट की आवाजें आने लगी, चीखने चिल्लाने की। साहब मैंने देखने की बहुत कोशिश की कि अंदर क्या चल रहा है, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और एकता ही मेरी इकलौती उम्मीद थी साहब, क्योंकि उसके पति ने तो उसको छुआ तक नहीं था और तलाकशुदा का ठप्पा तो उस पर लगने ही वाला था, इसलिए मैं बाहर बैठ के वेट करता रहा। और कुछ देर बाद राजन बाहर आया। इसका मतलब डॉक्टर दुबे ने हमसे झूठ बोला। मैंने उस दिन आप लोगों को एकता के घर के बाहर देख लिया था साहब, इसलिए मैं डर के मारे दुकान बंद करके कहीं छिप गया। मुझे लगा एकता ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी होगी, इसलिए मैं अपने घर में नहीं आया। पर मुझे तो पता भी नहीं था साहब कि एकता मर चुकी। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इसकी अच्छे से धुलाई करो और उस डॉक्टर को भी बुलाओ, उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। इन दोनों का सीमेन सैंपल लो और एकता की बॉडी पर मिले सीमेन से मैच करो। वो बोला रिपोर्ट जल्दी चाहिए। आईडी वगैरह मिला? हाँ सर, ये आईडी कार्ड मिला। सलाम वालेकुम। नहीं, सेक्टर 125 में रहती है। सना भी एकता की तरह अपने हालात को पीछे छोड़कर भागना चाह रही थी और उसका अंजाम भी मौत हुआ। सना की मौत के कई दावेदार थे, लेकिन सना और एकता के मर्डर को जोड़ने वाली कड़ी था राजन। रेशमा जी, आपकी या सना की किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई लड़ाई झगड़ा? मेरी बेटी सबसे प्यारी थी सर, लेकिन वो उसका नालायक बॉयफ्रेंड राज। सर होना,
ये सब कुछ उस राज का किया था। उसी ने मेरी सना को मारकर सब कुछ लूट लिया। इस राज का कोई कांटेक्ट है आपके पास? एक बार सना के फोन से उसका नंबर चुराया था उसे धमकाने के लिए। एक सेकेंड सर, इस राज को सोशल मीडिया पर सर्च करो, उसका फोटो निकालो और सर्कुलेट करवाओ। राइट सर। तेरा सीमेन सैंपल मैच हो गया है, हमें पता है कि तूने एकता का रेप किया था। अब सीधी तरीके से बता दे कि उस रात को क्या हुआ था, राजन और एकता तेरे यहाँ क्यों आए थे। बोल। सर, राजन नॉर्मल आदमी नहीं था सर, वो अपना सेक्स चेंज करवाना चाहता था। उसका ट्रीटमेंट मेरे पास करवा रहा था सर, उसने किसी प्राइवेट डांसर को देखा था, तब से उसके दिमाग में ये भूत था कि उसे उस डांसर जैसा बनना, उस लड़की जैसा बनना है। गुड, इम्प्रूवमेंट तो है, पैदाइशी दिक्कत है तुम्हें, अब ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो फिर आगे का कोर्स कब शुरू है? जब तुम 1.5 लाख रुपए दोगे तब। 1.5 लाख? यूएसए से दवाइयां मंगानी है। इतना पैसा नहीं है डॉक्टर मेरे पास। ट्रीटमेंट अगर बीच में रुक गया तो क्या हो सकता है तुम्हें पता है? लेकिन प्रॉपर सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे सर उसके पास। दिन राजन की पत्नी एकता मेरे पास आई, उसको देखते ही मैं एकता पर फिदा हो गया था सर। मैं अपने पेशेंट के बारे में सब कुछ तो नहीं बता सकता। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी शादी का सवाल है, आप प्लीज बताएं ना। मैंने राजन को एक ऑफर भी दिया। राजन, भाई तू कह रहा था कि तेरे पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं तेरी बीवी से काम चला लूंगा, वैसे भी तुझे तो कोई उसमें इंटरेस्ट है नहीं। वत से? और राजन मान गया? हाँ सर, वो तो छट से मान गया था, बल्कि हम लोगों के बीच में ये तय हुआ था कि वही मेरे पास एकता को लेकर आएगा गहने के बहाने। क्या पर है गहने? तुम्हें बताया तो था, डॉक्टर साहब को दिए थे अपने इलाज के लिए, पर अब तुम जा रही हो तो तुम्हारे गहनों पे कोई हक नहीं बनता। तुम जाओ अंदर, डॉक्टर साहब दे देंगे तुम्हें गहने। मैं क्यों जाऊँ इनके साथ अंदर? तुम गहने यहाँ ला कर दो वरना मैं घर जा रही हूँ। अरे तुम मेरी बात सुनो ना, तुम्हें छोड़ो मुझे। ये तेरी दवाइयाँ, ऐसे मैं अपने पास रखूंगा। तू मुझे दवाइयाँ देता रहे डॉक्टर, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गए। मैं डर गया था सर, मैंने फोन किया राजन को, कुछ कर उसका, पुलिस के पास नहीं जानी चाहिए वो। एकता का फोन मेरे घर पे छूट गया था सर, मैंने उसका सिम निकाला, तोड़ के फ्लश कर दिया और उसका उसका मोबाइल भी तोड़ दिया था। और उसके बाद राजन ने तुझे फोन नहीं किया? नहीं सर। सर, सना की बॉयफ्रेंड राज को पेट्रोल टीम ने हाईवे से उठा लिया। प्लीज मुझे मारो मत, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, हाँ मैं सना से पैसे लेता था, पर सर आज हम दोनों मुंबई भागने वाले थे, पर अचानक से मुझे कॉल आया कि सना का मर्डर हो गया और मैं डर गया सर, इसीलिए मैं भाग गया था। फोन आया, किसने किया था? वो तो सर मुझे पता नहीं, पर कोई आदमी था, PCO से सर उसने कॉल किया था। सना ने तुझे अचानक भागने के लिए क्यों कहा? सर, वो उसकी माँ उसे बेचना चाहती थी। मम्मा ना मुझे बेच रही है, मैंने खुद देखा, वो मेरी ऑनलाइन बोली लगा रही है। अब बताओ करना क्या है? हम भाग चलते। सर वो आई नहीं, फिर मुझे लगा कि शायद उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया हो। मैंने कॉल भी किया था पर उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैं सर फिर घर वापस आ गया। मैं रात को 11 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मैं अपने घर पर ही था सर। चेक कर उसकी अलावा सही है। माँ अपनी बेटी को कैसे बेच सकती है? सर, फिर लैपटॉप मिला। सना के ऑक्शन का इवेंट उसके मरने के पहले तक लाइव चल रहा। तुम्हारी बेटी को तुम्हारा सच पता चल गया और इसलिए उसने घर से भागने का प्लान बनाया, लेकिन तुम्हें तो हार बर्दाश्त है नहीं, इसलिए उसे मार दी। अपनी बेटी को बेचना इतना जरूरी था? जिंदा होती तो मॉडलिंग करवा लेती, उसे मार के मुझे क्या मिलेगा? और कौन कौन रहता तुम्हारे साथ? मेरे और सना के अलावा मेरा ड्राइवर बिट्टू, मेरा मेकअप आर्टिस्ट का असिस्टेंट राजू, मतलब राजन। राजन, राजन यादव जी। ये? हाँ यही है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे मैनेजर से बात की तब उसने साफ मना किया कि उसने राजन को नहीं देखा। हाँ वो आपकी बिट्टू से ही बात हुई होगी, वो मेरा ड्राइवर का मैनेजर भी है।
ये राजन आप कहाँ हैं? वो तो आप लोगों के आने से पहले ही चला गया था सना को ढूंढने। वो सना को ढूंढने नहीं, हमसे छुप कर गया है। राजन का नया नंबर चलो और ट्रेसिंग पे डालो। और ये बिट्टू जिसने झूठ बोला, मुझे लगता है दोनों मिले हुए हैं, उसको उठाओ और इनके घर के आसपास के सीसीटीवी चेक करो, पता करो सना सही में जिंदा घर से बाहर निकली थी या फिर झूठ बोल रही है। तूने तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मात दे दिया, अपनी बीवी को मार के सफाई से रेशमा क्या छुप गया? सेक्स चेंज ऑपरेशन के पैसे कम पड़ गए तो माँ बेटी के झगड़े का फायदा उठाकर सना को भी मार दिया। सर मैंने नहीं मारा किसी को भी सर, ना एकता को ना सना को। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मैं एकता को लेके गया था डॉक्टर दुबे के पास उसके हवाले करने के लिए ताकि मेरा ऑपरेशन हो सके, लेकिन साहब फिर मैं सीधा घर चला गया था गहने लाने के लिए ताकि मैं गहने लेके आऊं और गहने बेच दूं और जो पैसा आएगा साहब उससे अपनी लाइफ आराम से बिता सकूं। और जब एकता के गहने हाथ नहीं लगे तो गहनों के लालच में सना को मार। सर मैं सना को क्यों मारूंगा सर, मैंने तो खुद उसकी मदद की थी भागने के लिए। देख क्या कर रही है तेरी माँ। क्या मामा मुझे भेज रही है? मैंने मामा को जाके रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मैं मदद कर सकता हूँ भागने, अगर तू मेरी मदद करे तो। सर हमारी डील हुई थी कि सना भागेगी और फिर ऐसा लगेगा कि पैसा सना ने चुराया और वो सारा पैसा मुझे लाके दे देगी जिससे मैं अपना ऑपरेशन करा लूंगा। सना अपना मोबाइल भूल गई। सना फोन भुलाई थी तुम अपना। सर फिर मुझे रेशमा मैम के यहाँ भी जाना था सर, काम करने के लिए, प्राइवेट डांसर वाला। सर आप सीसीटीवी चेक कर लो ना, मैं वापस आ गया था साहब और तब तक सना जिंदा भी थी। राज को तूने ही फोन किया था कि सना का मर्डर हो गया है पर पुलिस उसे ढूंढ रही है। सर वो तो मुझे आप लोगों के आने के बाद पता चला, वो मैं बाहर खड़ा होकर चुपचाप आपकी बातें सुनता सर। मैं डर गया था, सच बता रहा हूँ, चाहता था कि ये राज जो है यहाँ से भाग जाए ताकि ये मर्डर का और पैसे चुराने का इल्जाम राज के ऊपर लगे। सर सर नोएडा बस डेपो के डस्टबिन में हमें एक चाकू मिला, उसमें खून लगा था। सर मैंने क्रॉस चेक करने के लिए वहां का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। सर ये देखिए, सर ये कंबल वाला आदमी इस डस्टबिन में चाकू फेंक के निकल जाता है। सर अब ये देखिए, ये सना के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज है। सर ये वही कंबल वाला आदमी और ये सना के घर के आसपास काफी देर तक था। राजन जैसे ही सना के पीछे गया इसने राजन को फॉलो किया। ये कहां की बस में चला? सर बिस्राम जा रही थी बस। मर्डर वेपन को भीड़ भरे इलाके में फेंक देना अकलमंदी का काम, कंबल ओढ़कर उस इलाके में जाना ताकि किसी सीसीटीवी में चेहरा ना आए, ये भी बड़ी अकलमंदी का काम। लेकिन एक गलती कर दी, बैसाख की बस में बैठ गया। और इस पूरे कांड में सिर्फ एक आदमी है जो बैसाख में रहता, तू। तेरे घर से कंबल भी मिल गया है और उस खून से सने चाकू पर तेरे फिंगरप्रिंट भी मैच हो गए। अब ये बता कि क्यों और कैसे मारा अपनी बेटी को? एक तक 5 बजे के करीब एकदम बदहवास स्थिति में घर आई साहब। तो इस हालत में क्या दामाद जी ने खुद तुझे डॉक्टर के हवाले किया? बेटा यही होता है, खुली तिजोरी देख के सब लूटना चाहते हैं, इसीलिए मैं चाहता था कि तू रिश्ता ना तोड़े। इसमें मेरी क्या गलती थी बाबा? वो आदमी मर नहीं रहना चाहता। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। बाबा आप मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या फिर मैं अकेली जाऊं? मैं चल रहा हूं, चल रहा हूं। ये कौन सा छोटा सा रास्ता है बाबा?
तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म होता है। क्या मतलब? न्याय बहुत महंगा है बेटा, उससे लड़ने की शक्ति हमारी नहीं। तुम्हारी छोटी बहन की शादी भी करनी है, तलाकशुदा और बलात्कारी की बहन से कोई शादी नहीं करेगा। और सना, उसको क्यों मारा? जब डॉक्टर अरेस्ट हो गया तो मुझे लगा कि राजन बच जाएगा, लेकिन मैं चाहता था कि उसको किए हुए की सजा जरूर मिले। कि मेरी बेटी एकता ने मुझे बताया था कि राजन किसी रेशमा नचनिया के प्यार में, मैं किसी तरह उसका एड्रेस खोज के उसके घर पहुंच गया, वहां राजन भी मिल गया। साहब, उस रात मैंने देखा, मैं समझ गया सर कि इसी लड़की की वजह से इस राजन ने मेरी बेटी को छोड़ा है। यही सच्चाई बताने के लिए मैं सना के पास चला गया। बेटा, तुम जिस लड़के के प्यार में हो वो लड़का अच्छा नहीं है। तुझे मेरी मम्मा ने भेजा है ना? देख बुड्ढे, मेरे और मेरे राज के बीच में आएगा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सना अपने बॉयफ्रेंड राज के बारे में बात कर रही थी। सना और राजन का कोई लेना देना नहीं है, बिना वजह के अपनी बेटी और सना दोनों को मार दिया। अब सड़ो जेल में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।